सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू योर ओनली चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। सर, कल ये भी हमारे पास एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, और ये सर्कुलर स्पेसिफिकली 10th और 12th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए लागू होगा जिनके बोर्ड एग्जाम्स 2022 में लगने वाले हैं। उनके लिए सर्कुलर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक गजब सर्कुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, और इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है बच्चों के मन में सर्कुलर को लेके। इसलिए ये स्पेसिफिक वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया है कि मैं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, सो बस बने रहिए यहाँ पे। मैं आपको पूरे के पूरे सीबीएसई सर्कुलर को डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या आपको दो बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे, क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, हर चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यस, सबसे पहला सवाल, क्या हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स लगने वाले हैं 2022 के अंदर, उन बोर्ड एग्जाम्स के कुछ पैटर्न में चेंजेस आया है? क्या हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में थे, बोर्ड ने इनमें से कुछ सवालों का जवाब हमें अभी दे दिया है, और कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है जिसके जवाब हमें जुलाई एंड से पहले मिल जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, जैसे बोर्ड की तरफ से आगे कोई अपडेट आएगा, मैं आपको उस अपडेट को भी वापस से पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ 100%। ठीक है, तो चलिए पहले आज समझते ये वाले सर्कुलर में बोर्ड के लिए हमारे पास क्या था, बोर्ड ने हमारे लिए क्या क्या स्पेशल छोड़ा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया ये सर्कुलर में हमारे पास चेंजेस क्या आए हैं। देखिए, पहले मैं क्लियर करता हूँ, ये सर्कुलर दोनों बच्चों के लिए है, 10th बोर्ड वालों के लिए भी है, 12th बोर्ड वालों के लिए भी है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो आप कोई भी एक सब्जेक्ट अपने मन में पहले ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, सॉरी मैथ्स के अकाउंट्स लेते हैं 12th स्टैंडर्ड का, और मैं ले लेता हूँ 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको जो पसंद है, आप एक सब्जेक्ट पहले अपने मन में ले लो। ठीक है, अब उस सब्जेक्ट का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन बोर्ड पहले तो हटा देगा, राइट? थोड़ा बहुत आपका पोर्शन कैंसिल होने के चांसेस है, बट बच्चों मैं आपको अभी से बताऊंगा, ज्यादा उम्मीद मत लगाना, सीबीएसई बोर्ड बहुत कम पोर्शन डिलीट करेगा, राइट? बट तो भी यस, थोड़ा पोर्शन आपका रिड्यूस होगा। वो पोर्शन रिड्यूस होने के बाद में जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, अब उस रिमेनिंग पोर्शन की कहानी आपके सर्कुलर में कही गई है। जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू बेसिक पार्ट, दो पार्ट में बांटा जाएगा। पहला होगा आपका टर्म वन एग्जाम और दूसरा होगा आपका टर्म टू एग्जाम, राइट? चलिए पहले बात करते हैं टर्म वन। सबसे पहले बोर्ड क्या करेगी, आपके सिलेबस को 50-50% में बांटेगी। पहला 50% होगा टर्म वन वाला एग्जाम, जो होने वाला है नवंबर दिसंबर के अंदर, राइट? आइदर इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, नॉट श्योर, स्टिल कंफर्मेशन नहीं है, बट नवंबर या दिसंबर में होगा, जो आपके एग्जैक्ट सिलेबस का 50% अप्रोक्सीमेटली होगा। 45 से 55 के बीच तक आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस का एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर मंथ में होगा। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में होगा, राइट बच्चा? ये पूरा एमसीक्यू पैटर्न में होगा, आपको 90 मिनट के अंदर एग्जाम देना पड़ेगा। अब आपके वापस से मन में क्वेश्चंस आएंगे, क्या सर ये एग्जाम ऑनलाइन होगा? मे बी। क्या ये एग्जाम हमें स्कूल पे जाके देना पड़ेगा? मे बी। बट मैक्सिमम चांसेस है, जिस हिसाब से पैंडेमिक अभी कम होते जा रहा है, नंबर ऑफ केसेस अभी डिक्रीज होते जा रहे हैं, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्स आपको स्कूल पे जाके देने पड़ेंगे। आपकी स्कूल में सुपरविजन करने के लिए एक्सटर्नल फैकल्टीज आएंगे और उनके सामने आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपको मार्क करके आपके आंसर्स वहां पे पहुंचाने पड़ेंगे। डोंट आस्क मी सर 90 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, देयर इज नो क्लैरिटी एज ऑफ राइट नाउ। बट यस, इसमें केस स्टडीज भी आएंगे, इसमें रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें हर तरह के सवाल वो लोग आपको पूछने वाले हैं। सो ये बात हो गई आपके पहले एग्जाम्स की, जो होने वाले हैं नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर। आगे की कहानी समझते हैं, जो दूसरे एग्जाम्स होने वाले हैं हमारे, जो होंगे मार्च और अप्रैल महीने के लगभग लगभग, उस एग्जाम की क्या कहानी रहेगी वो समझते हैं। वापस से उसमें भी आपका 50% पोर्शन आएगा, ठीक है? अब वो 2 घंटे का रिटर्न एग्जाम होगा, 2 घंटे का पूरा रिटर्न पेपर रहेगा। अगेन मार्क्स मैं लगभग आपको बता सकता हूँ, 50-60 मार्क का आपका पेपर रहेगा और पूरा रिटर्न पेपर रहेगा। क्या टाइप ऑफ पेपर रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, वी हैव नो आइडिया, देयर इज नो अपडेट, बट यस 2 घंटे का रिटर्न पेपर रहेगा। बट खुदा ना खास्ता अगर बाई चांस ये पेंडेमिक और बढ़ गया भैया, तीसरी चौथी पांचवी कोई लहर और आ गई कोविड की, तो वो एग्जाम जो सेकेंड एग्जाम है वो भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकता है। उसकी भी प्रोविजन अभी बोर्ड ने रखे हैं,
बट बोर्ड ने माना है कि वो प्रोविजन बहुत डिस्टेंट है, वो चांसेस नहीं आएंगे, तो आपको अपने 2 घंटे के रिटर्न एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करना रहेगा। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है सेकेंड एग्जाम्स की, कि रिटर्न पहली प्रायोरिटी होगी, बट अगर रिटर्न नहीं हो पाया किसी भी कारणवश तो आपको एमसीक्यू पैटर्न में भी देने की बारी आ सकती है। और बच्चा मैं आपको एक चीज आज क्लियर करता हूं, ऑनेस्टली एमसीक्यू पैटर्न इज नॉट इजी, इट्स वेरी टफ, क्योंकि वहां पे या तो आपको 0 मार्क मिलते हैं या 1 मिलता है, बीच के चांस नहीं होते हैं। फुल आंसर्स के अंदर चांसेस है, 10 मार्क का क्वेश्चन हो अकाउंट्स का, आपको 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी मिल सकता है, या मैथ्स का एक क्वेश्चन हो, आपने कुछ स्टेप सॉल्व किए हो, बीच के कुछ मार्क्स मिल सकते हैं आपको, बट एमसीक्यूज में नहीं मिलते। देयरफॉर एमसीक्यू नीड्स मोर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, राइट? सो यस, एक तरीके से ज्यादा एमसीक्यूज अच्छी बात नहीं होती है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है, ठीक है बच्चा? सो ये मैंने अभी आपको बताया कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, टर्म 1 टर्म 2 मैंने बताया। अब समझते हैं इनके मार्क्स के इंपॉर्टेंस कैसे रहेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए एक और स्लाइड प्रिपेयर करी है। अब अगर सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक पे डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कैसे जाएंगे, राइट? सपोज करते हैं, ये मैंने एक फ्लो चार्ट आपके लिए रेडी किया, पूरा टेबल बना रखा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, राइट? अगर सपोज करते हैं टर्म 1 एग्जाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे पेंडेमिक का थर्ड वेव आ गया, राइट? कोविड का थर्ड वेव आ गया, थर्ड वेव आने के कारण हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन हुए। अब एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसके मार्क्स कम गिने जाएंगे, और जो सेकेंड टर्म एग्जाम्स होगा वो ऑफलाइन हुआ, अच्छे से हुआ, तो उसके मार्क्स ज्यादा गिने जाएंगे। इस केस में आपका मार्क्स का प्रपोर्शन रहेगा 30:70, मतलब फर्स्ट टर्म को 30% वेटेज दिया जाएगा, सेकेंड को 70। बोर्ड ने ये 30:70 बताया नहीं है, बोर्ड ने खाली ये कहा है कि फर्स्ट को कम वेटेज दिया जाएगा, सेकेंड को ज्यादा दिया जाएगा। ये मैंने एक अंदाजा बताया कि हो सकता है 30:70 का वेटेज दिया जाए, वाइसा वर्जा। मानो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के टाइम पे भी कोविड खत्म हो गया, ऑफलाइन स्कूल एग्जाम चालू हो गई है, सेकेंड में भी कोविड खत्म है भैया, स्कूल अच्छे से चल रही है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, दैट इज 50-50%। मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट एग्जाम्स में भी कोविड फुल था, सेकेंड एग्जाम में भी भैया कोविड और आ गया, दोनों के दोनों एग्जाम ऑनलाइन लेने पड़े, तो वापस से दोनों को पूरा वेटेज दिया जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट में कोविड कम था तो उसको 70 दिया जाएगा, नेक्स्ट में कोविड ज्यादा आ गया तो उसको वापस से 30 दिया जाएगा। इन शॉर्ट, जो एग्जाम ऑफलाइन होंगे उन्हें वेटेज ज्यादा दिया जाएगा, जो एग्जाम ऑनलाइन होंगे उन्हें वेटेज कम दिया जाएगा। सो आपको ये समझना है कि आपको इस साल प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन वाले एग्जाम्स ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करेंगे। अभी वेटेज डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने कितने हैं, आपके कितने कितने मार्क्स के पेपर बनेंगे, और किन किन बेसिस पे वो लोग इवेल्युएशन करेंगे। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बेसिस पे ये लोग आपके मार्क्स फिक्स करने वाले हैं। सो दिस टाइम इट वुड बी सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू पीपल एज वेल एज फॉर टीचर्स लाइक अस, हमें भी अब नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। और अभी तो मजाक की बात ये भी हो रही है कि कुछ स्कूल अकाउंट्स में वॉल्यूम 3 स्टार्ट कर रही है, मैथ्स में पीछे के चैप्टर्स पहले करवा देती है, तो मे बी पॉसिबल भैया आप जो अभी पढ़ रहे हो वो आपके नवंबर वाले एग्जाम में आने वाले ही नहीं, वो तो सीधे अप्रैल वाले एग्जाम्स में आएगा। सो देर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि आप अभी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाई गलत हो रही हो, राइट? सो बहुत सारी चीजें चेंज होगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अप टू जुलाई एंड, राइट? जुलाई एंड में बोर्ड हमें और क्लेरिफिकेशन देगा, और क्लैरिटी देगा, और वो सारी की सारी क्लैरिटी वापस से मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ, ठीक है बच्चा? तब तक के लिए आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, और इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हर एग्जाम को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चा? आज के लिए इतना ही, ये अपडेट मैं आपके लिए खास लेके आया था, वापस से मिलूंगा नेक्स्ट न्यूज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।